बच्चों कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो आज हम करेंगे आसपास। आसपास में पार्ट छः। आसपास में पार्ट छः, बिना खाए कैसे चलेगा, बिना खाए कैसे चलेगा। हम बिना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं। हाँ चलो, आज हमने व्रत रखा है तो हम बिना खाए एक दिन के लिए रह सकते हैं, पर हम रोज के रोज बिना खाए रह नहीं सकते, और पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो हमारा पाठ का नाम है बिना खाए रह सकते है क्या, तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पे देखिए चित्र दिया है और देखिए क्या लिखा है, आप सुनिए। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल चावल बनाया था। तो एक क्या होती है, मैंने घर तो कल खाना ही नहीं बना था। मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा में गया था, वही लंगर में हमने दाल रोटी खाई थी। अब आप सोचो कि लंगर यानी क्या? तो लंगर यानी सिख लोग है ना, तो वो जैसे हम खाना खिलाते हैं किसी को है ना, तो वो लोग उस खाना जो देते हैं, खाना जो वो दान में देते हैं, उसे लंगर कहते हैं। मतलब हमारी तरफ से जो खाना हम दे रहे हैं तो भगवान के नाम पे दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम दूसरों को बांट रहे हैं, ये उनमें गुरूर बिल्कुल नहीं है। तो एक भगवान की प्रसाद ही समझ के वो दूसरों को यानी गरीबों को जो खाना खिलाते हैं उसे लंगर कहते हैं। तो गुरुद्वारा में दादी के साथ गई थी तो लंगर में दाल रोटी खाई, फिर माँ ने खीर पूरी बनाई थी। एक क्या बोलती, मेरी माँ ने तो खीर पूरी बनाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो चिल्ले खाए थे। अब चिल्ले यानी एक मिठाई का प्रकार है, पर उसे खीर पूरी अच्छी नहीं लगती तो उसने चिल्ले खा लिए। मेरी माँ ने इडली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। ओके, तो उसने क्या कहा कि मेरी माँ ने इडली बनाई थी। अगर आपकी माँ ने जो भी बनाया हो, दाल रोटी, दाल चावल हो, रोटी सब्जी हो, इडली हो, कुछ भी हो, तो आपने उसे बड़े प्यार से खाना है, क्योंकि माँ तो अपना खाना बनाने में कितनी मेहनत करती है आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप वो करके देख नहीं सकते हो, इसलिए तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए माँ जो इतनी मेहनत से बनाती है ना, तो आपको माँ को कभी ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे यही बना के दे, मुझे यही अच्छा लगता है। तो ठीक है ना, एक दिन माँ की पसंद का खा लो। आप तो छोटे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि माँ कितनी मेहनत करती पूरे दिन, तो हमें मम्मी को परेशान करना नहीं। ओके बच्चों, और लास्ट में कहता है, मेरी माँ जहाँ काम करती है ना, वहां से दाबेली लाई थी, हम सबने मुझे से खाया। अब देखो दाबेली हमारे यहाँ पे मिलती है ना रोड पे, तो हम खाना कभी कभी खाते हैं, मतलब संडे के दिन ऐसे कभी बाहर घूमने गए तो हमें मन हो जाता है तो हम खा लेते हैं। वैसे तो खास बात यह है कि ये बच्चे क्या करते हैं, तो इनकी माएं काम पे जाती है लोगों के यहाँ पे, और तब उनको खाना मिलता है ना, तब वो खाते हैं। ऐसे उसमें कुछ बच्चे है, तो उसकी मम्मी काम पे गई, काम पे मतलब वहां पे कुछ काम करती है, चलो कोई झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, कपड़े हो, तो फिर उनको जो खाना मिला वो उन्होंने खा लिया, मतलब जो मिला वो खा लिया, उसमें खुश हो गए। ओके, तो आज दाबेली मिली थी तो ज्यादा खुश हो गए, नहीं तो जो मिलता है वो खा लेते हैं, तो हमारी तो ऐसी हालत नहीं है, है ना। तो हमें खाने के लिए किसी के सामने हाथ खड़े करना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि मम्मी पापा हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमें अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छे स्कूल, किताबें, सब कुछ हमें अच्छे से अवेलेबल है। इसीलिए हमें क्या करना है, तो मम्मी पापा की इतनी आशा होती है, उनका इतना ही कहना होता है कि बच्चों आप बस पढ़ाई करो, और आपको वो करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन किताब लेके घूमो बस, उसमें कुछ पढ़ो मत पढ़ो, ऐसे नहीं। आप बैठो 2 घंटे 1 घंटा टाइम लगा के बैठो, 1 ही घंटा करो, पर पूरे ध्यान मन लगा के, आपका ध्यान पूरा वहीं पे होना चाहिए, नहीं मुझे गेम खेलना है, मुझे कार्टून देखना है, मुझे पिज्जा खाना जाना है, मुझे दाबेली खाने जाना है, ये सोचना नहीं मन।
तो आपका मन शांत होना चाहिए और पूरा ध्यान आपका किताब में होना चाहिए, तब जाके आप एक घंटा कम्प्लीट पढ़ाई कर लेंगे। बाकी टाइम आप टीवी देखो, खेलो, फोन देखो, मम्मी की बात सुनो, सो जाओ। ओके बच्चो, चलो अब आप याद करो कल रात आपने क्या क्या खाया। क्या क्या खाया? मैंने क्या खाया बताऊं आपको? मैंने खाई कढ़ी खिचड़ी। तो आपने क्या खाया तो आपको याद करना है, और आप सोचोगे अभी आज मैंने कढ़ी खिचड़ी खाई तो आज मैं सब्जी रोटी खाऊंगी, कल मैं पूरी सब्जी खाऊंगी, ऐसे जैसे हम रोज अलग अलग खाना खाते हैं। तो सोचिए और बताइए, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? कौन बताएगा? पेट में कुकड़ होता है ना, मम्मी मुझे कैसे हो रहा है, मुझे भूख लगी, जल्दी खाना दे दे, मम्मी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे खाना दे दे, ऐसे होते हैं ना आप लोग। तो आपको पता चल जाता है कैसे, तो आपका दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको आपकी टमी को, आपके पेट को भूख लगी है, आप थोड़ा भी खाना खा लो। ओके, आपके घर में कभी खाना नहीं बनाया गया हो, ऐसा हुआ है? कभी कभी होता है ना, मम्मी बीमार है, पापा काम से गए हैं, या पापा गाँव गए हैं, तो मम्मी ने बोला कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं उठ नहीं सकती हूँ, तो उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता है। ओके, एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? उसके घर पे अनाज नहीं होगा इसलिए नहीं बनाया होगा, मम्मी बीमार हो गई है इसलिए नहीं बनाया होगा, पापा ने राशन नहीं लाया होगा इसलिए नहीं होगा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कल सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था, क्यों? सभी बच्चों ने एक जैसा खाना क्यों खाया था? क्योंकि कल स्कूल में सबको टिफिन लेके बुलाया था और सबको बोला था पूरी और सब्जी लेके आओ, तो सबने एक साथ भोजन किया, इसलिए सबने एक जैसे खाना खाया, है ना? हो सकता है ना ऐसा, या किसी को मम्मी ने सबको निमंत्रित किया और सबको खाने में बुलाया तो सबने एक जैसे खाना खाया, या हम किसी के बर्थडे पार्टी में गए तो हमने एक जैसे खाना खाया, या हम किसी के शादी में गए सब दोस्त मिलके तो हमने एक जैसा खाना खाया, हो सकता है ना ऐसे, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सबने एक जैसा खाना खाया। तो कैसे? आपने जो नाम थाली में लिखा था उसे शाम पट्टे पर लिखिए, शाम पट्टे यानी बोर्ड। अब मैंने क्या खाया था, मैंने बोला ना आपको क्या खाया था, कढ़ी खिचड़ी। ये हो गया कढ़ी खिचड़ी, ये कहाँ पे लिखना है? शाम पट्टे पे यानी बोर्ड पे, पर हमें थाली में लिखना है कढ़ी खिचड़ी। अगर आपने अलग कुछ खाया तो आप मन से लिख देना है पेंसिल से, दाल भात, दाल चावल सब्जी रोटी कचुंबर, है ना, ककड़ी प्याज, ऐसे आपने जो खाया चटनी अचार तो लिख सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ ऐसे तो होता है, पता है आपको, हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हम गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और हमें बहुत भूख लगी है और आजू बाजू में कहीं पे कोई स्टॉल नहीं है, कोई होटल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, चुपचाप रहना पड़ता है, अरे इतनी भूख लगी ना पर कोई होटल ही नहीं है तो खरीद के भी खा ले, पर उस टाइम हमें क्या करना है, हमें भूख को सहन करना होता है क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलो, विपुल के परिवार में चार सदस्य है, विपुल के परिवार के कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते, जो खाता है वो सोचे उसके परिवार के लोग वो चीजें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है? तो आइए विपुल के परिवार में जाने, परिवार के बारे में जानते हैं। देखिए हमें स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक दूधा लेकर आए, वो घर आया और माँ से पूछा, माँ मुन्नी कहाँ है, मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा मुन्नी ऊपर कमरे में है। ने दादी पर हाथ पकड़कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। माँ ने कहा रुको, मैंने दादी की रोटी दाल में भिगो कर रखी है, पहले उन्हें खाने दे दो। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना,
दादी ने विपुल की माँ से कहा। विपुल की माँ ने जवाब दिया, मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने खाली उठाई और दौड़ कर सीढ़ियां चढ़ गया। उसने दादी को भी ऊपर आने को कहा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं इतनी देर में सीढ़ियां तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल भुट्टा खा रहा था, अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर अपने छोटे से मुन्नी को उठा लिया। अचानक मुन्नी ने रोना शुरू कर दिया, यह सब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। कहते हुए मम्मी मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। ओके बच्चों, तो आगे का हम अगले पीरियड करेंगे और आप क्या करना है, इसको पढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट करना है और अपने परिवार का ख्याल रखना है। बाय बच्चों।